हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 61, दूसरे अध्याय का 61 नंबर श्लोक। इस पर कल चर्चा किया था थोड़ा सा, और इसके तात्पर्य को पढ़ के आगे चर्चा करें। तानि सर्वाणि संयम्या युक्ता सीत मत्परा वसे ही अश्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वन हु रिस्ट्रेन्स हिज सेंसेस कीपिंग देम अंडर फुल कंट्रोल एंड फिक्सेस हिज कॉन्शियसनेस अपॉन मी इज नोन एज अ मैन ऑफ स्टेडी इंटेलिजेंस। तो ये एक कंक्लूसिव वर्स है। कंक्लूसिव वर्स मतलब कि भगवान अभी तक इस सेक्शन में, इस भाग में जो भी चर्चा की है, श्लोक नंबर 53 में तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा स्थित प्रज्ञा के क्या लक्षण होते हैं। स्थित प्रज्ञा मतलब जिसकी बुद्धि स्थित है या व्यवस्थित बोल सकते हैं सरल भाषा में, कि एस्टेब्लिश्ड, वन हु हैज एन एस्टेब्लिश इंटेलिजेंस, जो विचलित नहीं होता है, तो उसके क्या लक्षण होते हैं, उसका भगवान चर्चा करना प्रारंभ किया 54 नंबर श्लोक से लेकर के। तो 7 श्लोक में भगवान कुछ उसके लक्षणों का वर्णन करते हैं, फिर उसके पश्चात ये 61 नंबर श्लोक में कंक्लूसिव वर्स में ये निष्कर्ष बताते हैं। हमने कल इस श्लोक पर चर्चा किया था विस्तार से। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बताइए कि ये जो वर्स है 61 नंबर श्लोक, एक तरह का कंक्लूसिव वर्स क्यों है, इसमें भगवान क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं, इस श्लोक का क्या महत्व है। यस, कौन बता सकता है, हाथ ऊपर करिए। यस माता जी बोलिए। सुप्रिया माता जी, इस वर्ष में ये बताया गया कि तानि सर्वाणि संयम्य, आप सब सब इंद्रिया को संयम करके युक्त आसित मत परा मुझ में ही स्थित रहो। वशे ही यस्य इंद्रियाणि, जिसके सभी इंद्रिया वश में है, अपने वश में है, वो सेल्फ कंट्रोल्ड, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। आई मीन ही इज इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड। तो इसमें ये बताया गया है कि सेल्फ कंट्रोल इज एसेंशियल थिंग फॉर अटेनिंग स्टडी माइंड स्टडी इंटेलिजेंस। ओके ठीक है, थैंक यू। आपने तो इस श्लोक का अर्थ बताया, बिल्कुल सही बताया इस श्लोक का ये अर्थ है। तो वो ट्रांसलेशन एक तरह से आपने बताया तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस पे क्या शिक्षा प्राप्त किए थे कल, इस पे थोड़ा चर्चा किया था। सो और कोई भक्त बता सकते हैं, व्हाट इज द लेसन वी लर्न फ्रॉम दिस वर्स, इस श्लोक से क्या शिक्षा मिलती है हमको। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस योगेश भाई, आपका आवाज कट रहा है योगेश, वो नेटवर्क प्रॉपर नहीं है। इसमें प्रभु जी आपने कल ये बताया जो सबसे ज्यादा विचलित हो, प्रभु जी अभी आप, हाँ बोले कृष्णा, हाँ कल आपने जो कथा में बताया था, जो हमारे जो इंद्रिय है उसमें सबसे ज्यादा जो इंद्रिय विचलित होता है वो मन है। तो हमको मन को कंट्रोल करने के लिए जो बाकी सारे इंद्रिय है उसको कैसे संयमित करना चाहिए और मन को कंट्रोल करने के लिए कैसे भक्ति करना चाहिए वो बताया था। ओके हरे कृष्ण, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी भी जो इम्पोर्टेंट लेसन है वो बचा हुआ है बताने। और कोई भक्त बता सकते हैं। यस ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूँ वापस से, लेकिन लेसन क्या मिला आपको ही बताना है, मैं आपको बस प्रभु जी मैं बताऊं क्या कि हाँ बताइए, आप सेल्फ कंट्रोल मींस कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम इंद्रिया को, तो उस सारी इंद्रिया को हमें भगवान की भक्ति में लगाना है। यस, उसमें लगा के ही हम कंट्रोल कर सकते। हाँ ओके, थैंक यू, सही बताया आपने। तो एक्चुअली में ये जो श्लोक है इससे ये इम्पोर्टेंट लेसन मिलता है कि और कोई तरीका नहीं है हम अपने इंद्रियों को प्रॉपर तरीके से संयम कर सकते। अगर आप पिछले, इसलिए आपको फ्लो के साथ समझना पड़ेगा कि किस फ्लो में भगवान ये भगवद्गीता बोल रहे हैं, इसलिए मैं पीछे के श्लोकों में जाता हूँ ताकि आप कनेक्ट कर सकें। यहाँ से 55 नंबर श्लोक से चालू होता है, श्री भगवान वाचा प्रजहयाति यदा कामान। तो यहाँ से भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं सिर्फ प्रज्ञा भक्ति के क्या लक्षण होते हैं। तो ये 55 नंबर श्लोक में मानसिक लक्षण का वर्णन किए हैं कि वो जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति होता है वो हर प्रकार के सर्वान पार्थ सर्वान कामान मनोगतान प्रजहाति, प्रजहाति मतलब छोड़ देता है।
ही इज इजली एबल टू गिव अप ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल डिजायर्स, यानी बड़े आसानी से वो हर प्रकार के जो मन में उत्पन्न होने वाले दुष्विचार हैं, भौतिक विचार हैं, भौतिक इच्छाएं हैं। भौतिक इच्छाएं का मतलब क्या होता है? दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, भौतिक इच्छा, आध्यात्मिक इच्छा, मटेरियल डिजायर्स एंड स्पिरिचुअल डिजायर्स। मटेरियल डिजायर्स मतलब कि ऐसी हर प्रकार की वो इच्छा जो हमको इस भौतिक संसार में इंद्र तृप्ति यानी भोग करने के लिए प्रेरित करता है, चाहे अपने खुद के इंद्रियों के लिए या इस संसार अपने शरीर से संबंधित जो लोग हैं, जो परिवारजन हैं, देश है, समाज है, उनके इंद्र तृप्ति के लिए जो भी हम विचार करते हैं, अच्छा रखते हैं, भौतिक इच्छाएं कहलाती हैं। तो जो स्थित प्रज्ञा होता है यानी आत्मनि एव आत्मना तुष्टा, जो आत्मा के स्तर पे ही संतुष्ट है यानी अपनी वास्तविक स्थिति में संतुष्ट होता है, स्थित प्रज्ञा होता है, तो इस प्रकार के भौतिक इच्छाओं को तुरंत वो त्याग कर पाता है। उसके पास एक विशेष शक्ति होती है और केवल आध्यात्मिक इच्छाओं का ही पालन करता है। ठीक है, फिर अगले श्लोक में भगवान उसके इफेक्ट से, उसके परिणाम स्वरूप जिस प्रकार की जो चेतना रखता है, उसके परिणाम स्वरूप है, और उसका क्या मानसिकता होता है या क्या कैसा उसका आचरण होता है, ये बताया जा रहा है अगले दो श्लोक में, कि वो दुख और सुख दोनों से अप्रभावित रहता है। और वीत राग भया क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते, और वीत मतलब इज फ्री फ्रॉम राग मीन्स अटैचमेंट, भया मीन्स भय डर, क्रोध एंगर, तो राग भय क्रोध तीनों से वो मुक्त होता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है। और फिर अगले श्लोक में इसलिए भगवान बताएं कि इसलिए यह सर्वत्र अनभिस्मेय तत् तत् प्राप्य शुभा शुभम, कि जो भी अनवांटेड है, जो भी शुभ है या अशुभ है, वो सब उसके जीवन में आता है, लेकिन फिर भी ना तो उससे वो घृणा करता है, ना ही उसके प्रति उससे वो प्रभावित होता है, उसका प्रज्ञा प्रतिष्ठित होता है। और फिर उसके बाद भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से वो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इस्तेमाल करता है। यदा समरते चायम पूर्व अंगानी व सर्वशः, पूर्व का एक उदाहरण देते हैं कि कछुआ जिस प्रकार से होता है, जरूरत नहीं रहती है तो अपने सारी इंद्रियों को समेट लेता है, यानी अपने कछुए का ये गुण है कि अपने हाथ पैर और सिर को भी अपने शेल जो उसका बॉडी होता है, शरीर होता है, उसके अंदर डाल सकता है वो। इसलिए उसके ऊपर से अगर एक भारी से भारी वस्तु भी चली जाए, जानवर चला जाए, उसके ऊपर से गाय भैंस या हाथी भी पैर रख के चला जाए, तो उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका शेल जो है बहुत मोटा होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, इस प्रकार से अपने आप को बचा लेता है, अपनी इंद्रियों को अंदर कर लेता है वो, और जब जरूरत पड़ती है तो वापस से बाहर निकालता है और उसका इस्तेमाल करता है। उसी प्रकार से जो प्रतिष्ठित प्रज्ञा जिसकी है, तो वो व्यक्ति भी इंद्रियों को जो प्रॉपर प्रॉपर यूज करने की बारी आती है, तो उन इंद्रियों को पूरी तरह से इस्तेमाल करता है, बहुत ही एक्टिव होकर क्रियाशील होकर के इस्तेमाल करता है, लेकिन जब जरूरत नहीं है तब वो इस्तेमाल नहीं करता, उसको कंट्रोल करके रखते हैं, यानी उसके पूरी तरह से वश में होती इंद्रियां, ये यहाँ पे भगवान बताते हैं। अब 59 नंबर श्लोक से भगवान 59 और 60 नंबर श्लोक में हमको उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं कि ये जो अभी तक मैंने वर्णन किया अर्जुन, 55 नंबर श्लोक से लेकर के 58 नंबर श्लोक तक, ये जो लक्षण है, तो ये लक्षण है इसको कोई आर्टिफिशियली यानी बाहरी रूप से, कृत्रिम रूप से इसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, ये इतना आसान नहीं। कोई सोचे कि हाँ, भगवान ने ऐसा बताया कि स्थिर प्रज्ञा के ऐसे ऐसे लक्षण होते हैं, तो मैं भी इस प्रकार से करूंगा, मैं भी हर प्रकार के जो शुभ और अशुभ है उससे अप्रभावित रहूंगा, ये कर नहीं सकता कोई व्यक्ति। इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिसिंग दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स, सिम्टम्स को प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है। हमारे आचार्य उदाहरण देते हैं, बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जैसे जो गर्भवती महिला होती है, तो वो अभी उसका डिलीवरी का टाइम आ रहा है, तो डिलीवरी के टाइम पे बहुत उसको पीड़ा होती है, तो बहुत रोती है वो, और डिलीवरी फिर होता है, फिर बच्चा पैदा हो जाता है। तो ऐसे कोई स्त्री अगर सोचे कि वो इस प्रकार से, मैं भी इस प्रकार से बच्चे का जन्म होता है, तो वो भी अपना पेट को फुला लेती है और जोर जोर से चिल्लाती है, हॉस्पिटल में जाके बेड में लेट के जोर जोर से चिल्लाती है, तो उससे उसके चिल्लाने से कुछ होने नहीं वाला है, उसका बच्चा पैदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो सिम्टम है, वो इफेक्ट है। तो उसी प्रकार से ये उदाहरण है समझाने के लिए, तो उसी प्रकार से जिस जिस व्यक्ति के हृदय में कुछ सब्सटेंस है, जैसे गर्भवती महिला के पेट में बच्चा है, तभी वो जो पेन को महसूस करती है डिलीवरी के टाइम पे, फिर वो बच्चे को पैदा करती है, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के हृदय में कुछ स्पिरिचुअल सब्सटेंस होता है, वही व्यक्ति इस प्रकार के लक्षणों को प्रकट कर सकता है, इफेक्ट के रूप में ये लक्षण दिखते हैं। कोई इसको एक्सटर्नली बाहरी रूप से इन इफेक्ट इन जो लक्षण है, लक्षणों को बाहरी रूप से अपने ऊपर इस्तेमाल करेगा, तो वास्तव में वो स्थित प्रज्ञा नहीं होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि कई बार ऐसे कुछ तथाकथित डिवोटीज होते हैं, सहजिया जिनको बोला जाता है, जो बाहर से ये शो करते हैं कि वो काफी एलिवेटेड है, भगवान के कीर्तन में अश्रुधारा बहाना,
और अन्य अन्य प्रकार के जो भाव भक्ति के, प्रेम भक्ति के लक्षण होते हैं वो प्रकट करते हैं, लेकिन वास्तव में आंतरिक रूप से उनके पास वो सब्सटेंस नहीं होता है जिससे वो प्रेम भक्ति के लक्षण प्रकट होने चाहिए। अब वो है भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम, असली शुद्ध प्रेम होने पे वो लक्षण अपने आप स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं, लेकिन जिनके हृदय में वो प्रेम नहीं है तो बाहरी रूप से कितना भी प्रकट करने की कोशिश करें, जैसे कई होते हैं ऐसे जो है भागवत कथा करते हैं, कथा करते करते खूब भजन गाते हैं, म्यूजिक सब चलता रहता है और कथा करते करते वो रोते भी हैं, प्रैक्टिकली हमने देखा है ऐसे कई, वो रोते भी हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो प्रेम को प्राप्त किए हैं। तो वो सब जो है प्रैक्टिस वो लोग करते हैं एक्सटर्नली, लेकिन वही व्यास आसन से उतर के जाते हैं घर में और अन्य जगह पे तो देखते हैं वो अभी भी विषय भोग में लगे हुए हैं, वास्तव में प्रेम विकसित नहीं हुआ है, इसलिए आर्टिफिशियल तरीके से इसको नहीं किया जा सकता है। इसी चीज को समझाने के लिए भगवान अब 59 और 60 नंबर श्लोक में कुछ हिंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, और 61 नंबर श्लोक में फिर निष्कर्ष देते हैं। 59 नंबर श्लोक में बोलते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रस वर्जम रसोपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि जो व्यक्ति कृत्रिम रूप से अपने आप को इंद्र तृप्ति से दूर कर देता है लेकिन वास्तव में परम दृष्टवा यानी स्पिरिचुअल रियलाइजेशन नहीं होता है जिसको, परम मतलब स्पिरिचुअल, सुप्रीम, दृष्टवा मतलब साक्षात्कार रियलाइजेशन, तो जब तक उसको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं हुआ है तब तक वो वास्तव में सेंस ग्रेटिफिकेशन को जो बिजनेस है उसको छोड़ नहीं सकता है भले ही बाहरी रूप से कितना वो प्रकट करे। इसलिए यहाँ से भगवान जो 61 नंबर का निष्कर्ष है उसका बैकग्राउंड तैयार करते हुए और 60 नंबर श्लोक में भगवान यहाँ तक बोल देते हैं, यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता, विपश्चिता मतलब बुद्धिमान, कि हे अर्जुन यततो, यततो मतलब बहुत इंडेवर कर रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है, और कौन विपश्चिता, विपश्चिता मतलब बहुत बुद्धिमान, फुल ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग नॉलेज, अ पर्सन हु हैज डिस्क्रिमिनेटिंग नॉलेज, बहुत विद्वान है और बहुत वो अपने वास्तव में इंद्रियों को संयमित करके रखा हुआ है और पूरा इंडेवर कर रहा है, ऐसे व्यक्ति की भी इंद्रियाणी प्रमाथहीनि हरन्ति पर्शवम् मनः, उसकी जो इंद्रियां हैं, क्योंकि इंद्रियां बहुत ही प्रमाथ ही मतलब एजिटेटिंग होती है, एजिटेट करने कर सकती हैं, और प्रशुभम मतलब बलपूर्वक उसके मन को हर के ले जाती है। इसलिए भगवान ये श्लोक में बोल रहे हैं, इसलिए इस प्रकार से कृत्रिम रूप से अगर कोई चाहता है अपने इंद्रियों को वश में करना और अपने आप को स्थित प्रज्ञा बनाने का कोशिश करना चाहता है तो वो विफल हो जाएगा। और इसके तात्पर्य रूपा जी उदाहरण देते हैं, विश्वामित्र मुनि जैसे महान ऋषि का उदाहरण दिए हैं, अब उनसे ज्यादा तो कोई एंडेवर कर भी नहीं सकता है, जिन्होंने 60,000 वर्षों तक पूरा प्रयत्न करके अपने इंद्रियों को संयमित करके रखा था, तो 60,000 वर्षों तक भी इंद्रियों को संयमित करने के पश्चात भी वो जो है फाइनली जब ऐसा अपॉर्चुनिटी आया तो वो फंस गए, और अप्सरा जैसी आती मेनका तो ही बिकम्स इंटैंगल्ड, इसी तरह सौबरी ऋषि का भी उदाहरण है। इसीलिए फाइनल 61 नंबर श्लोक में भगवान निष्कर्षता बोलते हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य वन मस्ट कंट्रोल, वन मस्ट ट्राई टू कंट्रोल ऑल हिज सेंसेस, तानि सर्वाणि संयम्य, कंट्रोल करना चाहिए लेकिन सिंपली बाय कंट्रोलिंग देम, केवल अगर अपने इंद्रियों को मन को हम जो है आर्टिफिशियली कंट्रोल कर लेते हैं यानी उनको हम सेंस ऑब्जेक्ट, सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं लगाते हैं, दैट विल नॉट वर्क। इसलिए दूसरे लाइन में जो सब ये महत्वपूर्ण आया है, युक्त आसीत मत पराः, फिर उन इंद्रियों को पहले कंट्रोल करना है, मतलब तानि सर्वाणि संयम्य, कीपिंग अंडर कंट्रोल, फुल कंट्रोल, यानी उनको मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन से खींच के लेके आना है, उसके पश्चात उसको छोड़ नहीं सकते हैं, उसको लगाना पड़ेगा कहीं, वो प्रॉपर तरीके से युक्त करना पड़ेगा, युक्त मतलब एंगेज करना पड़ेगा, युक्त आसीत मत पराः इन रिलेशनशिप विथ मी, तो जब तक इंद्रियों को, मन को और इंद्रियों को हम बाहर से तो लेके आ गए लेकिन अगर हम भगवान में नहीं लगाएंगे तब तक वो व्यक्ति जो है हमेशा उस टॉटरिंग प्लेटफॉर्म में रहेगा, यानी कभी भी उसका पतन हो सकता है। इसलिए वसे ही यश इंद्रियाणी, उस समय उसकी जो इंद्रियां वश में हो जाती हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस समय उसकी जो है प्रज्ञा यानी बुद्धि पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाती है और शी बिकम्स कंप्लीटली सेल्फ रियलाइज्ड, जिसके उदाहरण हम लोग चर्चा किए थे कि जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हुए, कि एक तरफ विश्वामित्र मुनि उन्होंने इतने हजारों वर्षों तक तानी सर्वाणी संयम्य तो उन्होंने कर लिया और युक्त आसीत मत पराः करने का वो प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो जो प्रोसेस है ध्यान योग उस प्रोसेस के थ्रू कर रहे थे, तो उस प्रोसेस के थ्रू व्यक्ति परफेक्ट तरीके से भगवान में अपनी इंद्रियों को नहीं लगा पाता है जितना शुद्ध भक्ति के मार्ग से लगा पाता है, इसलिए वो विफल हो गए और फाइनली उनका जो है पतन हुआ। इस प्रकार से दो बार एक्सपीरियंस करने के पश्चात उन्होंने फिर भक्ति योग का आश्रय लिया और भगवान के शुद्ध भक्त बने, लेकिन वही दूसरे नामाचार्य हरिदास ठाकुर, क्योंकि वो शुरू से ही
भगवान के नाम जप करने में, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में अपने मन को पूर्ण रूप से लगाया था, और साथ ही साथ में इंद्रियों को भी भगवान के सेवा में लगा के रखे थे, इसलिए उनका वो हर परिस्थिति में अपने आप को बचा के रख सके। तो ये एक इसमें लेक्सलेशन मिलता है। तो ये हम लोग शिक्षा कल चर्चा किए थे, पर पढ़ के थोड़ा और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा सुंदर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था गोपाल जी, दैट द हाईएस्ट कंसेप्शन ऑफ योगा परफेक्शन इज कृष्णा कॉन्सियसनेस इज क्लियरली एक्सप्लेन इन दिस वर्स। इस श्लोक में योग सिद्धि का जो हाईएस्ट कॉन्सेप्शन यानी सर्वोच्च विचारधारा या सर्वोच्च सिद्धि है योग सिद्धि, वो है कृष्णा कॉन्सियसनेस। कृष्णा कॉन्सियसनेस मतलब यहाँ पे जो श्लोक में आया है मत पराह, मत पराह मतलब इन रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण, एंड दैट इज कॉल्ड एज कृष्णा कॉन्सियसनेस। एंड अनलेस वन इज कृष्णा कॉन्सियस इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू कंट्रोल द सेंसेस। जब तक कोई कृष्णा कॉन्सियस नहीं है तब तक ये संभव ही नहीं है कि अपनी इंद्रियों को संयमित कर सके। भले ही कुछ समय के लिए कर पाएगा लेकिन वो निश्चित रूप में उसका पतन हो जाएगा, इसलिए ये जरूरी है। तो इसका मतलब ये नहीं बोला जा रहा है कि अपनी इंद्रियों को खुला छोड़ देना चाहिए और कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना, वो करना है। इसलिए पहले इस श्लोक के पहले लाइन में सबसे पहले यही बोल रहे हैं कि तानी सर्वाणी समय, जब तक हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर इंद्रियां अन्यत्र लगी रहेंगी तो देर इज नो पॉसिबिलिटी ओनली दैट वी कैन फोकस ऑन कृष्ण कॉन्सियसनेस। पहले इंद्रियों को हमको समेट के लेके आना पड़ेगा, तब हम उनको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंद्रियों को मन को बहुत ये इस एग्जाम्पल से कंपेयर किया गया है, बच्चे छोटा बच्चा होता है तो छोटा बच्चा जो है गलत गलत शरारत करता है और शरारत करने में लगा रहता है। तो उसको अगर आप सही कार्य में लगाना चाहते हैं तो पहले उसको आपको वहां से खींच के लेके आना पड़ेगा। तो उसको खींच के लाने में थोड़ा संघर्ष होगा, लेकिन अगर आप केवल खींच के ला के उसको चुपचाप बैठने के लिए बोलेंगे, उसको हाथ पैर बांध भी देंगे, तब भी वो शांत बैठने नहीं वाला है, वो रुकने नहीं वाला है। आधा घंटा, एक घंटा, 2 घंटे आप इसी तरह उसको बैठा लेंगे शांत, लेकिन ऐसे समय आएगा कि वो फिर जो है पूरी तरह से जो है वापस से उसी तरह से चंचल हो जाएगा और ज्यादा फोर्स से वो शरारत करना लग जाएगा। तो उसको पहली बात तो जो बदमाशी कर रहा है, शरारत कर रहा है, उससे वहां से पकड़ के खींच के लाना है, ठीक है। और साथ ही साथ में उसको हम केवल शांत बैठा नहीं सकते, उसको हमको सही कार्य में लगाना है। तो प्रॉपर इंगेजमेंट देंगे, सही इंगेजमेंट देंगे उसको, तो फिर जब उसमें वो इंगेज हो जाएगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली शरारत वाले जो एक्टिविटी वहां से वो बच जाएगा। इसलिए पहले इंद्रियों को संयमित भी करना है, इसलिए रूपा जी ये दोनों चीज पालन करने के लिए उन्होंने हमको आदेश दिया है। एक तो है 4 नियम का पालन, ये जो 4 नियम है ये बहुत महत्वपूर्ण है अपनी इंद्रियों को संयमित करने के लिए। और जैसे मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना और जुआ नहीं खेलना, ये 4 पाप के कार्य हैं। जब तक कोई इनको पालन नहीं करेगा तो वास्तव में भगवान कृष्ण की सेवा में, भगवान में अपनी इंद्रियों को नहीं लगा पाएगा। भगवान में जब तक इंद्रियों को नहीं लगा पाएगा तो इंद्रिय और मन जो है हमेशा संसार में से भटकते रहेंगे और देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि वो कभी स्थित प्रज्ञा यानी फिक्स्ड इंटेलिजेंस का बन पाएगा। इस प्रकार से हमेशा केवल दुख को भोगता रहेगा, इसलिए पहले वहां से निकाल के लाना है। और साथ में इमीडिएटली हमको साथ साइमल्टेनियसली अपने इंद्रियों को भगवान में लगाना है। और वो कैसे लगा सकते हैं, हर एक इंद्रियों को भगवान भगवान से कनेक्ट किया जा सकता है। इसी का उदाहरण यहाँ पे दिया जाएगा किंग अम्बरीश के एग्जाम्पल से। As cited above, the great sage Durvasa Muni picked a quarrel with Maharaj Ambarish, and Durvasa Muni unnecessarily became angry out of pride, and therefore could not check his senses. On the other hand, the king, although not as powerful a yogi as the sage, but a devotee of the Lord, silently tolerated all the sage's injustices, and thereby emerged victorious. The king was able to control his senses because of the following qualifications, as mentioned in the Srimad Bhagavatam, 9th canto, 4th chapter, 18 to 20 verses. तो ये बहुत फेमस प्रसिद्ध कथा है भागवत के 9वें स्कंद में आती है कि महाराज अम्बरीश जो कि राजा थे, क्षत्रिय थे, और लेकिन भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। वहीं दूसरी ओर दुर्वासा मुनि जो कि न केवल एक महान ब्राह्मण बल्कि ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण और महान योगी भी थे, परफेक्शन सिद्धि प्राप्त योगी थे। तो कोई साधारण ऋषि नहीं थे दुर्वासा मुनि, कई हजारों वर्षों से वो परफेक्टेड परफेक्ट योगी थे, लेकिन फिर भी महाराज अम्बरीश जो उनके तुलना में काफी निम्न स्तर के हैं, वो तो एक ब्राह्मण भी नहीं, एक क्षत्रिय है, और कोई योग सिद्धियां उनके पास ऐसा नहीं है जो दुर्वासा मुनि जिस प्रकार से योग सिद्धि को प्राप्त किए थे। लेकिन दुर्वासा मुनि अपने जो इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाए, मन को संयमित नहीं कर पाए, एक छोटे से जो है अपराध के लिए, वो अपराध था भी नहीं, छोटा सा चीज के लिए वो इतने ज्यादा क्रोधित हो गए, क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाए और एक राक्षस को प्रकट करके अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़ पड़े। और वही अम्बरीश महाराज
जबकि उनका कोई गलती भी नहीं था, मिस्टेक नहीं था, फिर भी वो हाथ जोड़ के चुपचाप खड़े हो गए और अपराध उस दंड को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। और क्योंकि वो भगवान के अनन्य भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो वो भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर रहे हैं, बस इस भाव से नहीं कि मुझे इस दुर्वासा मुनि से बचाइए या दुर्वासा मुनि का वध करिए, इस भाव में नहीं। भक्त का स्वभाव होता है हर परिस्थिति में भगवान के चरण कमलों का स्मरण करता है, तो वो इस भाव में भगवान का स्मरण कर रहे हैं। वहां से सुदर्शन चक्र आ गया, तो पहले राक्षस का वध किया और उसके पश्चात दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे वो उनको मारने के लिए दौड़ पड़ा। दुर्वासा मुनि इतने महान योगी थे कि वो पहले ब्रह्मलोक जाते हैं, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी उनके पिता हैं, उनको बोलते हैं कि आप मुझे बचाइए, रक्षा प्रदान करिए सुदर्शन चक्र से। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी बोलते हैं, नहीं, मेरे कंट्रोल में नहीं, ये सुदर्शन है बाबा, ये भगवान नारायण का अस्त्र है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। भगवान शिव के पास चले गए कैलाश, तो शिव जी भी बोले, हाँ बताइए क्या क्या है आपको, क्या हेल्प चाहिए, इतने आप दुखी क्यों लग रहे हैं। बोले, मेरे पीछे सुदर्शन है, आप कुछ मदद करिए। तो भगवान शिव बोले, नहीं, ऑलरेडी मैं 2-3 बार युद्ध कर चुका हूँ, बाणासुर के केस में कृष्ण के साथ युद्ध किया था, हार गया था, तो मेरे बस का नहीं है भाई, आपको अगर कोई बचा सकता है तो आप जाइए वैकुंठ नारायण के पास जाइए, वही आपको बचा सकते हैं। तो वहां से भौतिक जगत को क्रॉस करके वो वैकुंठ लोक भी पहुंच गए, और 1 साल में, ऐसा भागवत में वर्णन है कि 1 साल में दुर्वासा ऋषि ब्रह्मलोक जाके, शिवलोक जाकर के वैकुंठ भी पहुंच गए, नारायण के पास साक्षात खड़े हैं और नारायण से बात हो रहा है। भगवान नारायण को प्रणाम करते बोलते हैं, बचाइए बचाइए, आप तो ब्राह्मण देव है, हमें ब्राह्मण, मेरी रक्षा करिए। तो भगवान बोले, बिल्कुल मैं आपका रक्षा करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये सुदर्शन मेरे कंट्रोल में नहीं है, अहम भक्ता पराधीन, मैं खुद अपने भक्त के अधीन हूँ, तो सुदर्शन तो मेरा दास है, तो वो भी मेरे भक्त के अधीन है, तो मेरे बस का नहीं है भाई, मैं नहीं चेक कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि आप इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं और आप इतने महान योगी हैं, तो मैं आपको तरीका बता सकता हूँ कैसे आप बच सकते हैं। तो आपने क्योंकि मेरे महान भक्त अम्बरीश के प्रति अपराध किया है, तो आप उनके पास वापस जाइए, अगर वो आपको क्षमा कर देते हैं तो सुदर्शन आपको माफ कर देगा। तो जैसे ये बात सुनते हैं, दुर्वासा मुनि दौड़ के फिर से आ जाते हैं, 1 साल फिर उनको लगता है, और 2 साल की यात्रा कंप्लीट करके पहुंचते हैं वापस पृथ्वीलोक में अम्बरीश महाराज के पास, उनको पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं। और उस वक्त अम्बरीश महाराज क्या कर रहे थे, अम्बरीश महाराज जब देखे कि सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे भाग रहे हैं, तो अम्बरीश महाराज भगवान के शुद्ध भक्त, इतने विनम्र हैं, तो वो चुपचाप वहीं पे हाथ जोड़ के खड़े रह गए। उनके हृदय में ये भाव था कि मेरे कारण इतने महान योगी को इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है, तो वो भी वहां पे चुपचाप वहां से हिले नहीं, खाना पीना सब कुछ त्याग दिए, वहां पे फास्टिंग करके खड़े हो गए भगवान का स्मरण करते हुए। 2 साल के पश्चात जब वापस आए, तो अम्बरीश महाराज वो क्षमा याचना मांगते हैं। अम्बरीश महाराज बोलते हैं कि आपने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे क्षमा करने से सुदर्शन चक्र आपको माफ कर देंगे, तो सुदर्शन चक्र को प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके आप इनको छोड़ दीजिए, तो फिर वो बच पाते हैं। इस प्रकार से तो अम्बरीश महाराज के गुणों का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, समय की पाबंदी इसलिए हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे। मेन चीज है इन श्लोकों में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से अम्बरीश महाराज अपने समस्त इंद्रियों को हमेशा कृष्ण के चरण कमलों में लगा के रखते थे, और इसी कारण वो उनके मन और इंद्रिय कभी विचलित नहीं हुई ऐसी कठिन परिस्थिति में भी, और उन्होंने बिल्कुल क्रोध प्रकट नहीं किया, और बड़े विनम्र भाव से वो अपने ऊपर अपराध करने वाले, अपने को मारने वाले दुर्वासा ऋषि का भी उद्धार उनके मन में विचार आया। तो ये भागवत का श्लोक है, आप सब लोग जो भी रिसाइट कर सकते हैं तो मेरे साथ ही साथ इसको रिसाइट करिए। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयोर् वाचां शिवैकुण्ठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथो कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्रस्पर्श अङ्गसङ्गमं घ्राणं च तत्पाद सरोजसौरभे श्रीमत्तुलसया रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दाश्रयेण तु काम कामया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इन 3 श्लोकों में वर्णन किया जा रहा है कैसे महाराज अम्बरीश अपने आप को फुली इंगेज रखते थे। युक्त आसीत मत पराः का परफेक्ट एग्जाम्पल है। किंग अम्बरीश फिक्स हिज माइंड ऑन द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्ण, तो अपने मन को कैसे उन्होंने भगवान पे लगाया, भगवान कृष्ण के चरण कमलों पे का स्मरण करके लगाया। तो आज के लिए ये प्रैक्टिकल कैसे है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं ध्यान पूर्वक, तो मन जो है भगवान कृष्ण में लग जाता है, इस प्रकार से कार्य किया जा सकता है। देन ही इनगेज हिज वर्ड्स इन डिस्क्राइबिंग द अबोड ऑफ द लॉर्ड, और अपने वाणी को, जिह्वा को किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाया, भगवान के बारे में कथा करने में, यानी भगवान के बारे में वार्तालाप करने में
उन्होंने अपने जीवा को इस्तेमाल किया। हिज हैंड्स इन क्लींसिंग द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, अपने हाथों को भगवान के मंदिर का मार्जना दिशु यानी सफाई करने में लगाया। हिज ईयर्स इन हियरिंग द पास्ट टेंस ऑफ द लॉर्ड, और अपने कर्ण को भगवान की कथा सुनने में लगाया। हिज आईज इन सीइंग द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, अपनी आंखों को नेत्रों को भगवान का सुंदर विग्रह का दर्शन करने में लगाया। हिज बॉडी इन टचिंग द बॉडी ऑफ द डिवोटीज, जो टच सेंसेशन है, पांच इंद्रियां हैं तो चार का वर्णन कर दिया, और चौथा है स्किन यानी टच टच सेंसेशन, उसमें भगवान के भक्तों को टच करें, भगवान के भक्तों को आलिंगन करने में उसको लगाया, तो इससे वो पवित्र हो जाते हैं। भगवान के भक्तों का जब हम संग करते हैं, उनको स्पर्श करते हैं, तो उससे हम शुद्ध हो जाते हैं। हिज नॉस्ट्रिल्स इन स्मेलिंग द फ्लेवर ऑफ द फ्लावर्स ऑफर्ड टू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, अपने नाक को उन्होंने भगवान के चरण कमलों में अर्पित तुलसी और फ्लावर्स को स्मेल करने में लगाया। हिज टंग इन टेस्टिंग द तुलसी लीव्स ऑफर्ड टू हिम, भगवान के चरण कमलों में जो तुलसी अर्पण होता है उसको जीवा का इस्तेमाल उस रूप में किया, महाप्रसाद पूरे के रूप में ग्रहण करने में। हिज लेग्स इन ट्रेवलिंग टू द होली प्लेस वेयर हिज टेम्पल इज सिचुएटेड, और अपने पैरों का इस्तेमाल किया उन्होंने भगवान के मंदिर जाने में, है ना। इसका मतलब है कि आप अगर भगवान के मंदिर में आते हैं दर्शन करने के लिए, तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए बहुत ट्रैफिक होता है, 2-3 घंटे लग जाते हैं मंदिर जाने में फिर आने में, और बस आधे 1 घंटे के लिए दर्शन करके आ जाऊं। नहीं, भगवान उसको आपकी वो 5 घंटे भी लगते हैं तो भगवान आपके तरफ से भगवान 5 घंटे का सेवा स्वीकार करते हैं, आपके पैर जो है 5 घंटे भगवान की सेवा में लग गए। हिज हेड इन ऑफरिंग ऑबिसेंसेस टू द लॉर्ड एंड हिज डिजायर्स इन फुलफिलिंग द डिजायर्स ऑफ द लॉर्ड, और अपने सिर को भगवान को प्रणाम करने में लगाया। और कामम च दास्य न तु काम कामयया, जो काम है काम वासना यानी इच्छाएं, इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करने में लगाया, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में नहीं लगाया। एंड ऑल दिस क्वालिफिकेशंस मेड हिम फिट टू बिकम अ मत परा डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, इस प्रकार से अमृत महाराज भगवान के मत परा भक्त बन गए, जो इस श्लोक में आया है, युक्त आसीत मत परा। इस प्रकार से जो मत परा हो जाता है वही समस्त प्रकार के इंद्रियों को संयमित कर सकता है और स्थित प्रज्ञा हो सकता है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। द वर्ड मत परा इज मोस्ट सिग्निफिकेंट इन दिस कनेक्शन। हाउ वन कैन बिकम मत परा इज डिस्क्राइब इन द लाइफ ऑफ महाराज अमृत श्रील बलदेव विद्याभूषण, अ ग्रेट स्कॉलर एंड आचार्य इन द लाइन ऑफ द मत परा। इन द लाइन ऑफ मत परा मतलब ये जो डिसिप्लिन सक्सेस है आचार्यों का, वो सब मत परा भक्त है, क्योंकि उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। जैसे एक महान आचार्य हुए श्रील बलदेव विद्याभूषण, जो कि ग्रेट स्कॉलर भी थे, महान ज्ञानी भी थे, लेकिन साथ ही साथ में वो मत परा भक्त भी थे भगवान के। रिमार्क्स, मद भक्ति प्रभावेन सर्वेन्द्रिया विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भाव, द सेंसेस कैन बी कंप्लीटली कंट्रोल्ड ओनली बाय द स्ट्रेंथ ऑफ डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण, इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल जो अगर कोई कर सकता है केवल और केवल कृष्ण की शुद्ध भक्ति से। Also, the example of fire is sometimes given. As a blazing fire burns everything within a room, Lord Vishnu situated in the heart of the yogi burns up all kinds of impurities. The Yoga Sutra also prescribes meditation on Vishnu and not meditation on the void. और इसका एक और उदाहरण दिया गया अग्नि के समान, जिस प्रकार से अग्नि अगर कहीं पे है तो अपने आसपास समस्त चीजों को जला के राख कर देते हैं, उसी प्रकार से जो योगी भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, तो उनके हृदय में उपस्थित समस्त इम्प्योरिटी यानी जो कलमश होते हैं तो सबको नष्ट कर देता है, इस प्रकार का स्मरण। यद अनुध्यासिना कर्म ग्रंथि निबंधनम, हम लोग भागवत के दूसरे अध्याय में हमने चर्चा किया था ऑलरेडी, शुद्ध गोस्वामी बोलते हैं, द सो कॉल्ड योगीज हु मेडिटेट ऑन समथिंग अदर देन विष्णु फॉर्म सिंपली वेस्ट देयर टाइम इन अ वेन सर्च आफ्टर सम फैंटास्मगोरिया, वी हैव टू बी कृष्णा कॉन्शियस डिवोटेड टू द पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड दिस इज द एम ऑफ रियल। जो ये जो कुछ तथा तथाकथित योगी होते हैं, सो कॉल्ड योगी, जो कि बोलते हैं हम योगी हैं, योगी नहीं है, क्यों? क्योंकि योगी का मतलब होता है वो भगवान विष्णु पे ध्यान करना चाहिए, कृष्ण पे ध्यान करना चाहिए, लेकिन आजकल के कुछ तथाकथित योगी होते हैं जो भगवान विष्णु पे ध्यान को छोड़ करके वॉइड निराकार शून्य ब्रह्म ज्योति इस पे ध्यान करते हैं, इससे कोई पूर्ण लाभ नहीं मिलने वाला है, ये बस उनका एक मन का भ्रम रहेगा कि हम योगी हैं, लेकिन वो वास्तव में अपने इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकते हैं और इस भौतिक जगत से मुक्त नहीं हो सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, समय हो गया, आप हम लोग विराम करते हैं।